जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी की बात करने जा रहे हैं। अगर आप पंचमढ़ी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको पंचमढ़ी कैसे पहुंचना है, पंचमढ़ी में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कौन से समय पे आपको जाना चाहिए, पंचमढ़ी में आपको होटल की क्या व्यवस्था है, क्या कॉस्ट आपको पड़ेंगे होटल्स के, और साथ ही साथ आपको पंचमढ़ी में भोजन की भी क्या व्यवस्था है, पंचमढ़ी में वर्तमान समय पे अभी कोरोना गाइडलाइंस क्या है इसकी भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पंचमढ़ी में आपको घूमने के लिए आपका साधन क्या होगा, स्कूटी लेकर आप घूमें या फिर वहां के लोकल जिप्सी के द्वारा घूमें, और अंत में ये जानेंगे कि पूरे पंचमढ़ी को घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको पंचमढ़ी जाने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं सबसे पहली बात कि आपको पंचमढ़ी कैसे पहुंचना है। दोस्तों पंचमढ़ी पहुंचने के लिए आपके पास तीन बड़े ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाई ट्रेन है तो फिर नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है आपका पिपरिया रेलवे स्टेशन, और पिपरिया रेलवे स्टेशन से जो पंचमढ़ी की दूरी है ये आपकी 54 किलोमीटर की पड़ जाती है। ये 54 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप पंचमढ़ी रेलवे स्टेशन से बाहर आइए, वहाँ आने के बाद आपको वहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ये सुमो के द्वारा या फिर बुलेरो के द्वारा आप पंचमढ़ी पहुँच सकते हैं। सुमो वाले जो कॉस्ट लेते हैं वो 150 रुपए एक व्यक्ति का लेते हैं, और वो शेयरिंग बेसिस में 8 से 10 आदमी को बैठाते हैं और आपको पंचमढ़ी छोड़ देंगे। 1.5 घंटे का ये सफर होता है और आप पंचमढ़ी आराम से पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप 150 रुपए भी नहीं देना चाहते तो फिर आपका यहाँ पे मिलता है बस। दोस्तों बस की टाइमिंग हालांकि आधे घंटे एक घंटे के अंतराल में रहती है, लेकिन आपको वहाँ पे 80 रुपए लगेंगे और आप पंचमढ़ी पहुंच जाएंगे। बस वाला का जो टाइमिंग रहता है वो 2 घंटा होता है, क्योंकि पंचमढ़ी पूरी पहाड़ी मिलती है, इस कारण आपको समय ज्यादा लगता है। वही अगर आप वापसी आते हैं तो फिर आपका समय कम लगता है। तो दोस्तों ये बात थी कि आपको ट्रेन से आना है तो किस तरीके से पंचमढ़ी पहुंचना है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं वो कि अगर आप बस से आना चाहते हैं। दोस्तों जबलपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद हर जगह से आपको डायरेक्ट बस मिलती है पंचमढ़ी के लिए, तो आप बस के माध्यम से भी यानी कि बाई रोड अगर आना चाहते हैं तो इस माध्यम से आप आ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो तो है आपका या तो जबलपुर एयरपोर्ट या फिर आप आ सकते हैं भोपाल के एयरपोर्ट। दोनों एयरपोर्ट से आपकी जो दूरी पड़ती है वो लगभग 200 से 250 किलोमीटर पड़ती है, और आप ये दूरी आप या तो बस के द्वारा तय कर लीजिए या फिर आप टैक्सी बुक करके भी पंचमढ़ी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों ये बातें थी कि आपको पंचमढ़ी कैसे पहुंचना है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि पंचमढ़ी जाने के लिए कोविड गाइडलाइंस क्या हैं। दोस्तों अभी फिलहाल के लिए पंचमढ़ी के लिए कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना तो आपको कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट लगेगी और ना ही आपको यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर आपको फ्रीली एंट्री है पंचमढ़ी घूमने के लिए, तो आप बेफिक्र होकर पंचमढ़ी घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों हम पंचमढ़ी पहुंच चुके हैं, अब बात करते हैं कि आपको पंचमढ़ी में रुकना कहाँ है और होटल के क्या कॉस्ट पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे होटल्स के अवेलेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पंचमढ़ी में सीधी बात अगर कहा जाए तो थोड़ा सा कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगा हर चीज के, चाहे वो खाने पीने की बात करिए, चाहे आप वो होटल्स की बात करिए, चाहे आप वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए। तीनों ही चीजों का वहाँ व्यापार बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ के टूरिस्ट को एक प्रकार से हाई फाई रेट बताकर लूटा भी जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि वहाँ के जो होटल्स हैं वो आपको 700-800 रुपए से स्टार्ट होंगे अगर आप थोड़े अच्छे होटल लेते हैं। लेकिन वही अगर आप सीजन में आते हैं, सीजन मींस यहाँ पे सैटरडे संडे भी सीजन कहलाता है पंचमढ़ी का, क्योंकि सैटरडे संडे होता है वीकेंड, तो वहाँ पे टूरिस्ट जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो उनका होटल का कॉस्ट 1500 रुपए एक रूम का होता है। पंचमढ़ी का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के आसपास ही जो मेन रोड है उसी रोड पे आपको बहुत सारे लाइन से होटल देखने को मिल जाएंगे। आपको 800-900 रुपए में होटल मिल जाएगा एक दिन के लिए, और आप आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों पंचमढ़ी में हालांकि आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट ज्यादा देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी होटल्स हैं सबका थाली का कॉस्ट 200 रुपए आपको पड़ ही जाना है एक व्यक्ति का, चाहे वो आप लंच करिए चाहे आप वो डिनर करिए। और वही अगर मैं बात करूँ ब्रेकफास्ट की, तो दोस्तों वहाँ ब्रेकफास्ट भी आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, चाहे आप पोहा लीजिए चाहे आप इडली लीजिए। पोहे का कॉस्ट आपका एक प्लेट का 20 रुपए, इडली का कॉस्ट आपका एक प्लेट का 50 रुपए। तो इस तरीके से वहाँ के सारे रेट होते हैं अगर आप पंचमढ़ी में अपना खाने का व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों पंचमढ़ी में एक फेमस होटल है जिसका नाम है बेटा बावर्ची। बेटा बावर्ची में दोस्तों हालांकि फैसिलिटी तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ के रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं। आपको 250 रुपए 300 रुपए तक का आपको एक व्यक्ति का भोजन होता है। तो अगर आप वहाँ फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी फूड ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि आपको पंचमढ़ी में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और आपको पंचमढ़ी में कौन से सीजन पे आना चाहिए। दोस्तों पूरे पंचमढ़ी को घूमने के लिए 3 दिन पर्याप्त है। आप आराम से 3 दिन में पूरे पंचमढ़ी को घूम लेंगे, सारे साइट सीइंग आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आप 2 दिन में भी पंचमढ़ी के मेन मेन प्लेसेस घूम सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि आपको पंचमढ़ी आना कब चाहिए, तो दोस्तों पंचमढ़ी आने के लिए आपके पास तीनों ही सीजन बढ़िया है। यानी कि अगर आप विंटर में आते हैं तो फिर आपको तो बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलेगा,
वही अगर आप मानसून में आते हैं तो मानसून में भी घूमने का दृश्य, वहाँ के सारे वाटरफॉल, वहाँ के केव और वहाँ की जो चौरागढ़ की ट्रैकिंग है, ये सारी चीजें आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगी। वही अगर आप आते हैं समर के समय पे, तो समर के समय पे भी पंचमढ़ी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पंचमढ़ी है थोड़ा सा ठंडी प्लेस, तो वहाँ टूरिस्ट समर के समय पे अवश्य जाते हैं। तो दोस्तों पंचमढ़ी आप किसी भी समय घूमने आ सकते हैं, कोई आपत्ति आपको नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको पंचमढ़ी में कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना है। मैं सीक्वेंस के आधार पर बताऊंगा ताकि आपको पंचमढ़ी को घूमने के लिए जो रूटिंग है वो आपकी प्रॉपर रहे। सबसे पहली बात करते हैं कि पंचमढ़ी में आपको पहले स्थान पर जाना है जटाशंकर, जो कि आपका पंचमढ़ी मेन बस स्टैंड से आपका हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको पड़ेगा। दोस्तों जटाशंकर जाने के लिए पहले आपको 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और ट्रैकिंग करने के दरमियान आपको वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे, तो कुछ फूल प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर आप भोलेनाथ के लिए जा सकते हैं। जटाशंकर जाने के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे पहले कुछ सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जटाशंकर जाने के लिए आप ज्यादा सामान लेकर ना जाएं, क्योंकि वहां पे आपको झुक के जाना पड़ेगा। एक पर्वत है, पर्वत के नीचे नीचे आपको झुक के जाना पड़ेगा, तब जाके आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे। यहाँ आप दर्शन कीजिए, नीचे पानी है और आप भोलेनाथ के सामने हैं। हर हर महादेव कहते हुए आप जटाशंकर के दूसरे छोर से बाहर आइए और वहां से भी आप नजारा देख सकते हैं, फोटोशूट भी करवा सकते हैं, और आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका पांडव गुफा। दोस्तों पांडव गुफा यानी कि यहाँ पे 5 पांडवों के अलग अलग गुफा बने हुए हैं। हालांकि गुफा बंद है, आपको वहां अंदर जाने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां का जो पर्वत से नजारा है वो बहुत ही शानदार है। तो आप यहां भी पांडव गुफा जाइए, कुछ समय यहां भी व्यतीत कीजिए। यहां के पीक पॉइंट से आप फोटोशूट करवा सकते हैं, यहां की ठंडी ठंडी वादियों का आप आनंद लीजिए, यहां पूरे पंचमढ़ी का यहां से दृश्य देखने को आपको मिलेगा, तो काफी अच्छी जगह है। तो आप पांडव गुफा में भी कुछ समय व्यतीत कीजिए, और साथ ही साथ आपके पांडव गुफा के नीचे ही आपके पांडव गार्डन बना है, जिसको कहा जाता है पांडव उद्यान। तो यहाँ भी आपको समय व्यतीत करके प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका हंडिको। दोस्तों हंडिको ये एक सनसेट पॉइंट है, जहाँ से आपको दृश्य काफी शानदार देखने को मिलेगा। बहुत ही गहरी खाई है और यहाँ से आपको पंचमढ़ी के प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे, तो आप हंडिको भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आपको दृश्य काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। दोस्तों प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गुप्त महादेव। दोस्तों गुप्त महादेव जाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर जाने के लिए आपको थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि गुप्त महादेव जाने के लिए आपको जो रास्ता है वो बहुत ही संकरी रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे गुफे में महादेव का ज्योतिर्लिंग है, महादेव का दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको 6-6 लोगों का स्लॉट करके भेजा जाता है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और 6-6 व्यक्ति इस गुफे के मार्ग से होते हुए वो गुप्त महादेव पहुंचेंगे। वहां आप दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि गुप्त महादेव से ही लगा हुआ है, वो है आपका बड़ा महादेव मंदिर। दोस्तों बड़ा महादेव के मंदिर दर्शन कीजिए, यहाँ भी आपको गुफे के अंदर ही जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप खड़े होकर जा सकते हैं। हालांकि बड़ा महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए सामने कुंड बना हुआ है, लेकिन वर्तमान समय पे ये कुंड बंद है, यानी कि आप स्नान नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ बड़ा महादेव भी जाइए, यहाँ दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका ग्रीन वैली। दोस्तों ग्रीन वैली ये भी एक सनसेट पॉइंट है, जो कि पंचमढ़ी का एक भव्य दर्शन होगा। यहाँ से जो पूरी प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही शानदार आपको लगेंगे, एक अच्छा अनुभव आपको यहाँ मिलेगा। तो आप ग्रीन वैली पे भी कुछ समय व्यतीत कीजिए, फोटोशूट के नाम से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा दृश्य है, तो आप यहाँ भी कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें घूमिए और डे 1 पे आप आके होटल पे स्टे करिए। अगली सुबह उठिए और आपको डे 2 पे जाना है सारे पर्यटन स्थल। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी जितने भी स्थान बताए वो सारे स्थान मैंने ज्यादातर धार्मिक स्थलों से रिलेटेड, मंदिर वाले स्थानों से रिलेटेड बताए। डे 2 पे आपको जाना है सारे पिकनिक स्पॉट्स, यानी कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वाटरफॉल हो गए और आपके कुछ सनसेट पॉइंट्स हो गए, मेन पॉइंट, ये सारी चीजें आपको डे 2 पे घूमना है। तो दोस्तों डे 2 में कौन से स्थान पे जाना है इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप डे 2 पे आपको जितने भी जगह जाना है, जो भी वाटरफॉल जाएंगे, चाहे आप धूपगढ़ जाएं, इन सारे जगहों को जाने के लिए आपको लेना पड़ता है परमिशन वहां के गवर्नमेंट से। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है परमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपके पास 2 विकल्प है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आप 7-8 लोग हैं, या फिर अगर आप 5-6 लोग हैं, तो फिर वहां से आप जिप्सी कर सकते हैं। जिप्सी वाले का जो कॉस्ट है वो 900 रुपए की वहां कटती है पर्ची, और वो पर्ची कहां कटती है, तो जो पंचमढ़ी का जो बाइसन लॉज है, उस बाइसन लॉज में वहां पे काउंटर बने हुए हैं, वहां आप जाएंगे। बाइसन लॉज के अंदर आपको वहां पे 900 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी, वहां आपको गाड़ी का नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, जो भी जिप्सी रहेगी। ये जिप्सी आपकी एक्चुअली 4-व्हील ड्राइव रहती है, इसीलिए ये स्पेशल गाड़ी होती है हर जगह जाने के लिए, क्योंकि यही एक बड़े बड़े घाट सेक्शन पे चढ़ सकती है। तो 900 रुपए आपका पर्ची कटेगा और 1700 रुपए आपका लेगा गाड़ी वाला इन सारे जगहों को घुमाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 2600 रुपए आपको ये पूरे रिजर्व फॉरेस्ट घूमने के लिए, जितने भी वाटरफॉल है, 5-6 पॉइंट रहते हैं, ये सारी जगह को घुमाएंगे। तो ये तो बातें थी कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप एक दिन में 2600 रुपए दीजिए, लेकिन अगर आप 2 मेंबर हैं या फिर 3 मेंबर हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहां स्कूटी हायर कर लीजिए, क्योंकि स्कूटी हायर करेंगे तो परमिट आपको उसका भी लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी परमिट होती है 200 रुपए की,
एक गाड़ी का। और मान लीजिए आपको 2 लीटर पेट्रोल लगेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट आपके 8 से 10 किलोमीटर के अंतराल पे ही है, ज्यादा दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो 2 लीटर फ्यूल आपके लिए सफिशियंट है। पेट्रोल पंप भी पंचमढ़ी में एक ही ठो है, तो आप तो वहां जाके पंचमढ़ी में पेट्रोल डलवा लीजिए और परमिट निकलवा के इन सारे जगहों को आप खुद ही घूम सकते हैं। गूगल मैप आपके पास है तो आप गूगल मैप के जरिए ये सारे जगहों को घूम सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपके हाथ में है कि आपको वहां जिप्सी लेके घूमना है या फिर आप स्कूटी लेकर घूमेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको डे 2 में सबसे पहले जो जाना है वो जाना है बी फॉल। दोस्तों बी फॉल यहाँ पे अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तक गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जो आप स्कूटी लेंगे या फिर अगर आप बाइक लेंगे तो ये आपकी वापसी आते समय चढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्कूटी का कॉस्ट क्या पड़ेगा और आपको कहां से लेना है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले जाना है बी फॉल। तो आप वहां स्कूटी खड़ा कर दीजिए, 1 किलोमीटर की आप पैदल यात्रा करते हुए पहुंचेंगे बी फॉल। ये एक भव्य वाटरफॉल जिसका नजारा देखते साथ ही आपका काफी ज्यादा मन प्रसन्न हो जाएगा इस बी फॉल को देखकर। तो दोस्तों आप यहां स्नान भी कर सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं तो आप यहां नहा सकते हैं। यहां से आपको आने का मन नहीं करेगा क्योंकि इसका दृश्य काफी ज्यादा शानदार है। तो दोस्तों यहाँ आप बी फॉल में जाइए, कुछ समय व्यतीत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, फोटो शूट करवाइए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका धूपगढ़। दोस्तों धूपगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पॉइंट कहा जाता है ये धूपगढ़ का। और धूपगढ़ जाने के लिए दोस्तों आपकी स्कूटी डायरेक्ट वहां तक जाती है पॉइंट तक, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे आप डबल सीट स्कूटी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाई इतनी ज्यादा होती है कि आपको एक व्यक्ति को उतरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप धूपगढ़ भी स्कूटी या फिर बाइक के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। यहां से आपको पूरे सनसेट पॉइंट दिखेंगे। हालांकि ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मॉनसून के समय का है, इसलिए यहां पे सनसेट पॉइंट दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन आप यहां भी रहिए, कुछ समय यहां भी व्यतीत कीजिए और आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका अप्सरा विहार। दोस्तों अप्सरा विहार ये भी एक वाटरफॉल ही है एक प्रकार से, तो यहां भी आप घूमिए। और साथ ही साथ आपके अप्सरा विहार से लगा हुआ है एक सिल्वर फॉल, तो आप सिल्वर वाटरफॉल भी जा सकते हैं। सिल्वर फॉल जाने के लिए दोस्तों आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग नीचे करके जाना है और आपको सिल्वर फॉर देखने को मिलेगा। तो आप यहां भी जाइए, यहां भी आप लुफ्त उठाइए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जिसका नाम है पंचाली कुंड। तो दोस्तों ये कुंड है, तो यहां भी आप दर्शन कीजिए, यहां भी आप नजारे देखिए और इन सारे जगह को घूमते घूमते आपका डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बातें कि अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो, वही अगर आप चौरागढ़ जाना चाहते हैं तो वो आप डे 3 में इंक्लूड करिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये चौरागढ़ क्या है और इसका महत्व क्या है और इसको सेपरेट एक दिन देने में क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों चौरागढ़ एक महादेव का मंदिर है, जो कि आपको एक दिन सेपरेटली लग जाएंगे, उसको चढ़ना और वहां से वापस आना मान के चलिए आपका 4 से 5 घंटा डेफिनेटली लगेगा। दोस्तों चौरागढ़ में चौरेश्वर महादेव का मंदिर है, यानी कि भोलेनाथ का मंदिर है, और इस मंदिर में पहुंचने के लिए भक्तों को सबसे पहले 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, जो कि आपको जंगली रास्ते से सीढ़ी उतर कर, सीढ़ी चढ़कर इन सारे पड़ाव को पार करते हुए आप पहुंचेंगे चौरेश्वर महादेव के मंदिर। दोस्तों चौरागढ़ मंदिर काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे बना है, तो यहां भी आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही शानदार लगेगा। दूसरी चीज ये कि यहां चौरेश्वर महादेव के दर्शन तो होंगे। दोस्तों मैं यहां पे क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित था। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहां पे त्रिशूल का भवंडर है, काफी ज्यादा मात्रा में यहां त्रिशूल है, जो कि भक्त अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहां त्रिशूल चढ़ा जाते हैं। इतना ही नहीं, यहां से कई ट्रक त्रिशूल उतार कर पिपरिया में ले जाके बेचा भी गया है और उससे जो भी धन राशि आई है वो यहां के मंदिर के विकास में लगाया गया है। तो दोस्तों आप यहां चौरागढ़ जरूर जाइएगा, 4 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग आपको जानी है और वापस 4 किलोमीटर नीचे आना है। तो एक दिन आप सेपरेटली इसको दीजिए, क्योंकि चौरेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी आपको महादेव के दर्शन होंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी कि आपको पंचमढ़ी में कहाँ कहाँ घूमना है। अब बात करते हैं कि आपको स्कूटी कहाँ मिलेगी और उसका कॉस्ट क्या होगा। दोस्तों आपके जो पंचमढ़ी बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ठीक पीछे जो मेन रोड गई हुई है, वही भी आपको 2-4 एजेंट मिल जाएंगे जो कि स्कूटी फॉर रेंट लिखे हुए हैं, तो वहां से आप स्कूटी ले सकते हैं। 600 रुपए से उनका मिनिमम कॉस्ट होता है, 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, इस तरीके से उनका स्कूटी का कॉस्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि आप स्कूटी या फिर बाइक आप कौन से मॉडल ले रहे हैं। तो दोस्तों वहां से आप स्कूटी हायर कर लीजिए, वहां आपका केवल आधार कार्ड लगेगा, आप आधार कार्ड दीजिए और इन सारे जगहों को घूमकर आप वापस वहां इनको स्कूटी दे सकते हैं। और दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप पंचमढ़ी से रवानगी लेते हैं, यानी कि बस के माध्यम से वापस जाना चाहते हैं पिपरिया और आपकी ट्रेन है, तो दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि जो आखिरी बस है वो शाम को 5:30 बजे पंचमढ़ी से रवाना होती है और आपको 7 बजे के आसपास आपको वो छोड़ देगी पिपरिया। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर रात की ट्रेन है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो आपको आखिरी बस जो पंचमढ़ी से मिलेगी वो 5:30 बजे मिलेगी। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि आपको पंचमढ़ी घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं और एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं और आप सारे जगहों को घूमने के लिए अगर आप स्कूटी प्रीफर करते हैं, तो मान के चलिए कि 4,000 से
5,000 रुपए एक व्यक्ति का आएगा। वही अगर आप जीप लेते हैं यानी कि आप जिप्सी के द्वारा घूमना चाहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ ही जाना है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने केवल और केवल आपके होटल के खर्चे, आपकी स्कूटी के खर्चे, आपके जो भी परमिट है और आपके वहाँ पे खाने पीने के खर्चे, इन सबको खर्चों को अगर जोड़ा जाए तो मान के चलिए कि 4,000 से 5,000 रुपए आपको एक व्यक्ति का पूरे पंचमढ़ी घूमने के लिए लग जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण वर्णन कि आपको पंचमढ़ी किस तरीके से घूमना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न क्वेरीज हैं वो आप प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा रिस्पांस मिलेगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू सेफ कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।